पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूँ, जाओ पोकी बॉल। अरे स्क्वाटर मैंने तुम्हें नहीं पिकाचू को चुना था, जाओ पोकी बॉल। अरे चार्मेंडर तुम्हें नहीं मैंने पिकाचू को चुना था। हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हो पोकेव्यूअर चैनल और यार तुम लोगों ने वो सीन तो देखा ही होगा जब ऐश अपनी पोकेबॉल को फेंक कर एक पोकेमोन का नाम लेता है और पोकेमोन वहां पर हाजिर हो जाता है, जबकि ऐश को ये बात मालूम ही नहीं होती कि उस पोकेबॉल में कौन सा पोकेमोन है। तो ऐश उस पोकेबॉल को फेंकता ही क्यों है और जिस पोकेमोन को वो चुनना चाहता है वो उस पोकेबॉल में कैसे आ जाता है, तो अगर तुम्हें जानना है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो गाइस शायद से अब बहुत देर हो चुकी है, अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐश को कैसे मालूम होता है कि वो उसी पोकेमोन की बॉल है जिसको वो चुनना चाहता है? तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो थ्योरीज हैं। दोनों थ्योरीज अनऑफिशियल हैं, फैन मेड थ्योरी हैं, लेकिन आई थिंक वो दोनों ही सही हैं। तो गाइस हमारी पहली थ्योरी ये कहती है कि जो पोकेमोन ट्रेनर्स हैं वो एक पोकेबॉल का वेट देखकर अपने पोकेमोन को चूज करते हैं। आसान लैंग्वेज में समझे तो एक पोकेबॉल में जाकर एक पोकेमोन का वेट कंप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन हर एक पोकेमोन का वेट या तो बहुत ज़्यादा होता है या फिर कम होता है। तो जिन पोकेमोनों का वेट कम होता है उनकी पोकेबॉल हल्की होती है और जिनका भारी होता है उनकी पोकेबॉल थोड़ी सी भारी होती हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो पोकेमोन ट्रेनर्स हैं उनको अपने पोकेबॉल का वेट याद होगा और वो अपने पोकेमोन की पोकेबॉल को भी पहचानते होंगे। और गाइस सब पोकेमोनों का वेट इक्वल नहीं होता, थोड़े से पोकेमोनों का वेट ज़्यादा होता है और थोड़े से पोकेमोनों का वेट कम होता है। तो गाइस ये थी हमारी पहली थ्योरी, अब आ जाए अपनी सेकंड थ्योरी पर। तो गाइस हमारी दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पोकेबॉल की जो बेल्ट होती है उस पे जो 6 पोकेबॉल्स के कॉलम होते हैं वो नंबर वाइज होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले तो जैसे कि ऐश का सामना एक ड्रैगनाइट से हो और ऐश अपने चाइजॉर्ड को चूज करे और चाइजॉर्ड ने ड्रैगनाइट को हरा दिया, तो ऐश अपने चाइजॉर्ड को जब वापस बुलाएगा तो वो उसे 5 नंबर वाले कॉलम में रखेगा, ना कि 2 नंबर वाले कॉलम में, क्योंकि चाइजॉर्ड की जो पोकेबॉल का कॉलम है वो 5 वाला है, तो इसलिए वो 5 वाले कॉलम में ही उसको रख सकता है। अगर दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर लें तो जैसे कि बेलीफ का मुकाबला हुआ एक फायर टाइप पोकेमोन के साथ और बेलीफ ने उसे हरा दिया और ऐश ने अपने बेलीफ को वापस बुला लिया और बेलीफ का कॉलम हुआ 2, तो ऐश उसे 2 नंबर वाले कॉलम में रखेगा ना कि 5 नंबर वाले कॉलम में रखेगा जो चाइजॉर्ड का है, क्योंकि उसका कॉलम नंबर 2 है। और अगर उसे बेलीफ को वापस बुलाना होगा तो वो उसकी पोकेबॉल को 2 नंबर वाले कॉलम में से उठाएगा और उसे बुला लेगा। तो ऐसे ही सब पोकेबॉल्स का अपना अपना कॉलम होता है। तो ऐसे एक पोकेमोन ट्रेनर को बहुत आसानी होती है एक पोकेबॉल को चूज करने के लिए। तो गाइस ये थी हमारी सेकंड थ्योरी। तो गाइस द मिस्ट्री इज सॉल्वड एंड यार मेरे 2000 से 5000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलना। तो गाइस मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।